दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार के बारे में लगभग हर कोई जानता होगा, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसका निर्माण कराया था। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि दिल्ली में एक नहीं बल्कि दो कुतुब मीनार हैं, तो शायद आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा। जी हाँ, दिल्ली में एक नहीं बल्कि दो कुतुब मीनार हैं। एक कुतुब मीनार वो जो मेहरौली में स्थित है, और दूसरी कुतुब मीनार पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में स्थित है, जिसको हस्तशाल मीनार या फिर कहें मिनी कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर के हस्तशाल गांव में। मेरे पीछे जो आप ये जो टावर जो मीनार देख रहे हैं, इसे मिनी कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग कुतुब मीनार की तरह ही है, और इसको लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। यहाँ के आसपास के लोगों का मानना है कि इस मीनार के अंदर सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं। इसी तरह जो दिल्ली की जो मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार हैं, उसके अंदर भी सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसके अंदर कुछ 3 से या 4 लगभग सुरंगें हैं जो अलग अलग एरिया में जाके खुलती हैं। इस मीनार का निर्माण किसने करवाया, इसको लेकर अलग अलग लोगों की राय है। कुछ लोगों का कहना है कि इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के 17वीं शताब्दी के बीच में शाहजहां ने करवाया था, और कुछ लोगों का कहना है कि इसका निर्माण जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। लेकिन यहाँ के आसपास के लोगों की क्या राय है इस जगह को लेकर, इस गांव को लेकर और इस मीनार को लेकर, आइए उनसे जानते हैं। आप जो ये संकरी गलियां देख रहे हैं, कभी यहाँ पर हाथियों का राज था, जंगल का वो स्थान जो इतिहास बनकर हमारे सामने है। इन्हीं गलियों में मौजूद है मिनी कुतुब मीनार या छोटा कुतुब मीनार। कहते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां ने इसको शिकारगाह के तौर पर बनवाया था। इसका इस्तेमाल शाहजहां अपने मनोरंजन के लिए करते थे। वो जंगल में शिकार करने के बाद यहाँ ठहरते थे। इसमें 3 सुरंगें हैं। एक का तो हमें पता है कि हम उसमें घुस जाते थे। एक सुरंग इधर ही निकलती है, उसको बोलते हैं बारादरी, ठीक है। और इतना ही हमें पता है इसके बारे में, ज़्यादा पता नहीं है। हर साल हम 15 अगस्त को झंडा लगाते हैं, और ये झंडा है जो हम अपनी खुशी से लगाते हैं। इस गांव का नाम हस्तशाल कैसे पड़ा, इस बारे में यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि ये जगह पहले हाथियों के झुंड की आरामगाह हुआ करती थी, इसलिए इस गांव का नाम हस्तशाल पड़ा। किसी वक्त मिनी कुतुब मीनार एक 5 मंजिला टावर हुआ करता था। इसके ऊपर एक गुंबददार छतरी थी। आज 5 मंजिलों में से सिर्फ 3 ही बची हैं। कहते हैं कि 18वीं सदी में इसकी 2 मंजिलें ढह गई थीं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।